रेजांग ला युद्ध 18 नवंबर 1962 को भारत और चीन के सैनिकों के मध्य लड़ा गया था। भारतीय सेना की 13 कुमायूं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी के सिर्फ 120 जवानों ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया था। आइए जानते हैं युद्ध की पूरी कहानी। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एकदम खामोशी सी थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। 3:30 तड़के सुबह घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की PLA के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाइयों की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमाइयों के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमाइयों के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जवान जिंदा बचे थे, जिन्हें चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया था। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे उनमें से एक कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। यादव का मानना है कि वह जिंदा इसीलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीर गाथा सुनाए। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नायक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए, जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। 13 कुमाइयों के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिलों के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।